कुछ नहीं भैया, अपना हाथ जला लिया ना। वो दिन तुझे पैसा दिया था चिमटा लाने के लिए और तू लाई का स्कूल का बस्ता। तुम्हारा स्कूल का बस्ता फट गया था ना भैया, इसीलिए नया ले आई। तुझे भैया का कितना ख्याल रहता है। आज अगर हम माँ बाप होते तो इतनी छोटी उम्र में तुझे रोटी नहीं पकानी पड़ती। माँ बाप नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे जैसा भैया तो है। अच्छा अब तुम स्कूल जाओ, राधा तुम्हारे इंतजार में सूख रही होगी। चल बदली कहीं की। ये लो बर्फी। महाराज एक नहीं दो, फिर एक रखा। भूल गए बिटिया रानी। पर एक बात बताओ बिटिया रानी, आपको रोज रोज दो चीजें काहे चाहिए होती हैं? अजी दो क्यों, चार चार खाएगी। तुम्हारा पेट दुखता है क्या? अरे यही उम्र तो है खाने पीने की। सारा सारा दिन स्कूल में रहती है, वहाँ भूख लगती होगी तो क्या तुम्हें खाएगी? ले बेटा खूब पेट भर के खाओ और अब स्कूल जाके ध्यान से पढ़ना। अच्छा। हर वक्त टोकता रहता है, खाती है खाती है, लेकिन मैं खाता हूँ। कर दे तुझे करना है। माता पिता की आज्ञा मानो, पाठशाला ठीक समय पर पहुँचो, खूब मन लगाकर पढ़ो। अच्छा तो बच्चों, कल का पाठ याद किया तो आज हम उसके आगे का सबक शुरू करेंगे। श्याम, ए श्याम, इधर आओ। लाओ हाथ आगे लाओ। हुआ श्याम? हमरी आँख पड़क रही है राधा। तो क्या हुआ? हमार पड़ोस की मौसी कहती थी जब आँख पड़कती है तब कुछ बुरा होता है। क्या बुरा होगा? कुछ बुरा ना होगा। अब हम जाते हैं। तुम्हारा रुमाल तो ले लो। नहीं, अब चोट पर बंदा रहने दो, तो कल वापस कर देना। अच्छा। क्या कहा? राधा बिटिया का ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है, पर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बस आप वैसे ही सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब बताना इसलिए जरूरी हो गया कि आजकल ये फालतू बच्चों में ज्यादा घूमने लगी है। उसका भी क्या दोष है बेचारी का, बगैर माँ की बच्ची है। हम अपने काम में लगे रहते हैं, उसकी देखभाल करे तो कौन करे। एक बार ख्याल आया था कि उसको शिवपुर उसकी बुआ के पास छोड़ दें, ऐसे ही मुंह में रह गए, नहीं छोड़ा, पर अब छोड़ना पड़ेगा। हम उसे कल ही भेज देते हैं शिवपुर। बाबूजी हम बुआ के गांव में नहीं जाएंगे। बाबूजी हम बुआ के गांव में। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, वो तुम्हें कितना प्यार करती है, लाड करती है। बाबूजी हमारा मन बुआ के गांव में नहीं लगता है, हम अपना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें मिलने आएंगे शिवपुर। अरे देखो बेटा गाड़ी का वक्त हो रहा है, मिनी मालिक खाना टांगे। आजा बिटिया रानी, जल्दी आजा, जल्दी आते हैं। देखो रोनी बेटी, देखो अच्छा हम तो मिलने आएंगे वहाँ। रोनी अच्छा, देखो रोनी, शाबाश रानी बिटिया, देखो रोनी। अरे चलो तांगा लेके चलो, जरा ध्यान से लगाना। अरे काका आज राधा स्कूल नहीं आएगी का? राधा तो गई। गई कहाँ? अपनी बुआ के घर। बुआ के घर काहे? अब वहीं लिखेगी, वहीं पढ़ेगी, वहीं रहेगी। जा पिया दूर न जा बेटे श्याम, श्याम। जी बाबा। बेटे तुम यहाँ बैठे हो? रूपा तुम्हें सारे गांव में ढूंढ के थक गई है। बेटा जाओ घर जाके रोटी खा लो, वो बेचारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। अच्छा बाबा। भैया खाना काहे नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है रूपा। ओहो वही पुराना जवाब, सवेरे भूख नहीं शाम को भूख नहीं। भैया खाओगे पियोगे नहीं तो एकदम कमजोर हो जाओगे। भूखे रहने से राधा तो वापस नहीं आ जाएगी ना। देख तू खा ले। नहीं, जब तक भाई नहीं खाएगा तो बहन कैसे खा लेगी। तुम भूखे रहोगे तो हम भी भूखे रहेंगे। अरे वाह बहन हो तो ऐसी हो। ईल चल 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 मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। आ शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ चल अब तू भी खा। भैया चिट्ठी आई है। किसकी है? किसकी चिट्ठी है भैया? हाँ ये गड़ोले से सोहन के पिता की चिट्ठी है। उन्होंने हमें गड़ोले बुलाया है, तेरी रिश्ते की बात करने। क्यों तुझे सोहन पसंद है ना? अरे, अरे अब तो खाली चिट्ठी आई है तो इतना शर्मा रही है। दुल्हन बन के जाएगी तो क्या हाल होगा हैं? चल मालिक मालिक चिट्ठी आई है। आ? अरे तो मालिक चिट्ठी आई है ये जरूर राधा। अरे तो मुझे देना, तू क्या देख रहा है, लिए घूम रहा है चिट्ठी को। निवेदन है कि बीज भिजवा दिया है गंगाराम आड़तिया। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। अच्छी तरह मालूम है राधा को कि पल पल हर घड़ी उसके आने का इंतजार हो रहा है। कोई चिट्ठी नहीं कोई पत्री नहीं। मुनीम जी, जी मालिक एक तार और भिजवाइए, तुरंत भिजवाइए और ताकीद कीजिए कि राधा बिटिया पहली डाक से आ जाए। पहली डाक से मालिक? अरे मेरा मतलब है गाड़ी से। मेरा मुंह का देखा जाओ ना, जो मिलता है परेशान कर देता है। अरे अरे तांगा काहे रोका? सामने गाड़ी है, रास्ता संकरा है। तांगे वाले गाड़ी वाले से को गाड़ी हटा ले। सुनो भाई अपनी गाड़ी हटा लो, हमारा तांगा निकल जाएगा। अरे भैया पर तुम काहे नहीं अपना तांगा पीछे कर लेते ताकि हमारी गाड़ी निकल जाए? हाँ कौन है ये बदतमीज? ऐसे काहे ताक रहे हो? मालूम नहीं हम कौन है? पर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम ये जानने की कोशिश करें? तुम सीधी तरह से अपनी गाड़ी रास्ते से हटाते हो कि नहीं? देखो देवी जी अगर ये तेवर दिखाओगी तो हम 7 जन्म तक पीछे हटने वाले नहीं। हाँ अगर हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती करो तो हम सोचेंगे। बकवास बंद करो और जल्दी से अपना ये छकड़ा पीछे हटाओ। हमारी ये गाड़ी छकड़ा है तो तुम्हारी गधा गाड़ी है। हम कहते पीछे हटाओ यहाँ से। ना ये रास्ता तुम्हारे बाप का है का? नहीं नहीं आपके बाप का है। और अगर आप थोड़ी सी सिफारिश करते हैं तो हमें दहेज में मिल जाएगा। ठहर तो बदतमीज, अभी बताते हैं हम तुम्हें। अरे 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 जरा सी बात का इतना पतंगड़। ये तांगे वाले तू ही अपना तांगा पीछे ले ले। चल भाई। चल डा 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 रा। वैसे आप ही की कृपा से ये रिश्ता तय हो पाया। क्या बात कर रहे हो बेटा, हम तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रूपा कब हमारे घर में बहू बनकर आए। सद्दू मैं श्याम भैया को गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। अच्छा जी नमस्ते। जीते रहो। हर वक्त भागती रहती तूफान की तरह। काय बुआ? अरे जल्दी जाके नमक मिर्च ले आ। इतने दिनों बाद अपने घर आई है, जरा नजर तो उतार लेने दे। चल अब चल। पायला बुआ जी, जयराम जी की बिटिया रानी, जयराम जी की न चिट्ठी न तार, आप लोगों के आने के इंतजार में मालिक ने तो बस। खबर हमने इसलिए नहीं दी मुनीम जी क्योंकि अचानक आकर हम बाबूजी की खुशी को और बढ़ाना चाहते थे। ये बाबूजी हैं कहाँ? हम अभी लेके आते हैं बिटिया रानी। हम भी आते हैं। अरे तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। छोड़ दे चक्कू, छोड़। छोड़ दे ठाकुर साहब, मेरे चक्कू को मत मारिए, उसे माफ कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। हट जा मुनिया। ठाकुर साहब मेरे चक्कू को मत मारिए ठाकुर साहब, इसे माफ कर दीजिए, ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा ठाकुर साहब, नहीं करेगा ऐसी गलती। आप जो इस पे तरस आ रहा है, इससे पहले इसे इसकी औकात तो नहीं बताई। रामजादे अपनी जात भूलकर ठाकुर की बेटी से ब्याह रचाने चला था। हाँ? रुक जाओ ठाकुर। ठाकुर ये ऊंच और नीच का ढोल पीटना बंद करो। प्रेम का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जात। तुम इन दोनों के रास्ते से हट जाओ। ये कभी नहीं हो सकता। ऊंची और नीची जातें कभी एक नहीं हो सकती। क्यों नहीं एक हो सकती? ये ऊंच और नीच तो खुद आदमी का बनाया हुआ है, जबकि एक ही सूरज की किरणें दोनों के घरों में पड़ती हैं। एक दोनों एक सा अन्न खाते हैं, दोनों के रगों में एक सा खून दौड़ता है ठाकुर, एक सा खून दौड़ता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तुम इन दोनों के रास्ते से हट जाओ। ठाकुर ठाकुर इनके प्यार को मत कुचलो ठाकुर, मत कुचलो ठाकुर, मत कुचलो। बिटिया रानी आ गई है। लाओ लाओ महाराज और लाओ। हाँ आज कितने सालन बाद हमार बिटिया अपनी हवेली में खाना खा रही है, है? हमने भी बुआ से बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाने सीखे। आपको रोज एक नया पकवान बना के खिलाएंगे। सुन लिया महाराज, आपकी नौकरी तो खतरे में पड़ गई। ऐसा का बात है बिटिया रानी, बेसन का लड्डू एक नहीं और महाराज, हमसे तो एक ही नहीं खाया जाएगा। बड़े अचरज की बात है, बचपन में ये हर चीज दो दो मांगती थी और बड़े होके एक ही। बचपन में हर चीज दो दो मांगते थे? हाँ हाँ। ऐसा क्या है बाबूजी? भाई वो तो हमें खबर ना है, तुम्हें खबर होगी। हमको तो कुछ भी याद नहीं पड़ता। नहीं पहचाना? अरे ये तो अपनी गुइया राधा है। राधा? राधा ठाकुर साहब की बिटिया सालन के बाद आई है। अरे तो राधा है, तब तो मिलने की चाहिए। अरे अरे राधा, तुमने हमें पहचाना नहीं? भूल गई राधा हम लोगों को। मैं तुम्हारी बचपन की गुइया कमला हूँ। कमला? अरे मैं रुक्मिणी हूँ। और मैं धन्य हूँ। मैं गौरी हूँ। मैं शांति हूँ। अब तो पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। अब बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों का? अब का बताओ हाल, सबका एक ना एक दुकड़ा ही है। हा? कैसा दुकड़ा? अरे वही जो शादी के बाद सबका होता है। रात हो या दोपहर चीख की आवाज सुनकर तो मैं पहले ही समझ गया था कि आपके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। काहे राम खिलावन, घबरा गए लाला को देखकर? जब पैसा लेने का वक्त होता है तो लाला की चौखट पर चक्कर काटा था, और जब पैसा लौटाने का वक्त होता है तो लाला से चक्कर कटवा था। लाला जी, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था, लेकिन समय नहीं मिला। कौनो बात नहीं राम खिलावन, सोचा बेटे का ब्याह करने जा रहे हो, पैसे की जरूरत तो होगी ही, यही खातिर लाला खुद तेरे दरवाजे पर चल कर आ गया। नहीं लाला जी, सोहन के ब्याह का पूरा इंतजाम है मेरे पास। पर लाला का कर्जा उतारने को फूटी कौड़ी नहीं तुम्हारे पास? भरोसा रखो लाला जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस जरा सोहन का ब्याह हो जाने दो। तब तक तो मेरी अर्थी उठ जाएगी, उसका खर्चा कौन देगा? नहीं राम खिलावन नहीं, लाला अब तेरे झांसे में नहीं आने वाला। मेरा पूरा पैसा चुका दे, वरना ब्याह के दिन कुड़ की वारंट लेकर आ जाऊंगा। ऐसा गजब ना करना लाला जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मोहलत तो मैं दे दूंगा, पर इसके लिए तुझे इस बही के कागज पर अंगूठा लगाना पड़ेगा। इस कोरे कागज पर अंगूठा लेके क्या करोगे लाला जी? कुछ नहीं राम खिलावन, इस कागज का इतना फायदा रहेगा कि तुझे पैसा लौटाने का ध्यान रहेगा और लाला की छाती भारी रहेगी। चल लगा दे अंगूठा। अब सोच क्या रहा है, चल लगा दे अंगूठा। ये हिचकियां तो तेरे जी का जंजाल बन गई हैं। जब तक हमारे पास रही वहां पर भी ये हिचकियां तंग करती रहीं, और अब यहाँ पर भी वही हाल है। लेकिन बुआ, जब वहां हिचकी आती थी तो तुम कहते थे बाबूजी याद करते हैं। अब तो हम बाबूजी के पास आ गए, अब हमें कौन याद करता? अब ये क्या कर रही है तू? ये काम रामदेई का है, वो ना आई क्या आज? वो तो आई है बाबूजी, लेकिन आज तो हम अपने हाथ की निकली हुई छाछ पिलाएंगे आपको। अच्छा, जरूर पिएंगे। बाबूजी, वो तांगा कहाँ है? अब तांगे का क्या करना है? हम गांव घूमने जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाना, हम कोचवान से कह देंगे। कोचवान नहीं चाहिए, हम अकेले ही जाएंगे। अरे बावली हो गई हो क्या? लड़कियाँ टांगा नहीं चलाया करती। नहीं चलाती होंगी, हम तो चलाएंगे। चलाओ, जो मर्जी करो, तुमसे कौन बहस करे। लाडली बेटी हो, सुनूंगी थोड़ी किसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? ऐसा ठीक है? गिरा दिया। तुम्हारी ये मजाल, तुमने हमें गिराया। हाथ लगाएं तो नाराज होती है और हटाएं तो भुनभुनाती है। मालूम है मैं कितने जोर से लगी है। हाँ मालूम है। एक काम करो, यहाँ बगल में बैज जी का घर है, वहाँ जाके लेप लगवाओ। अच्छा। कल हमारे भैंस के पैर में मोच आई थी, हम वहीं गए थे। बदतमीज, तुम्हारा मुँह तोड़ के रख देंगे। देखो, पहले अपनी हालत ठीक करो, और गांव यहाँ से 2-4 कोस दूर है, वापस कैसे जाओगी? भगवान ने हमें पैर दिए, चले जाएंगे। भगवान ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। अरे 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 अरे, शर्म नहीं आती हमारा पीछा करते हुए? बहुत अच्छे, मतलब तुम अपने आप को इतनी सुंदर समझती हो कि हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहे। देखो मेम साहब, हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। और सच बात तो यह है कि हमने अपना दिल बहुत पहले किसी को दे दिया है और वो इतनी सुंदर हैं कि तुम्हारी ये शकल जो है ना, उसकी सुंदरता के सामने पानी भरेगी। हाँ। अगर इस लड़की का नाम और गांव पता चल जाए तो इसे मजा चखा दें। हसाइन के रहने वाले हो का? हाँ। काहे? का नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम का है? हम रस्ते चलतों को अपना नाम नहीं बताते। तो हम भी किसी अरे गरे को अपना नाम नहीं बताते। जयराम जी की, जयराम जी के बच्चे मर गए। धीरे धीरे मल्लू बुआ, बहुत दर्द हो रही है। क्या हो गया बिटिया रानी को? बिटिया रानी के पैर सूज गए हैं। पूरे 2 कोस चल के आई है पैदल। पैदल? अरे पर बिटिया तुम तो तांगा लेकर गई थी ना। तांगा? हमें गिरा के घोड़ा तांगा लेके भाग गया। हमने तो पहले ही मना किया था, पर तुम किसी की मानो तब ना। तांगी ने हमें उतना परेशान नहीं किया जितना उस पगलू राम ने। पगलू राम कौन है? वो है एक सिरफरा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे नाम बताओ उसका, खाल खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम उसे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि उम्र भर याद रखेगा। बीवी जी, गड्ढा काहे खुदवा है? गड्ढा? तू भाग यहाँ से। अच्छा बीवी जी। हमको कूड़े में गिराया था ना बच्चू, अब देखना। आए मर गए। देखा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक है ठीक है, बाहर निकालो। जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम इस गड्ढे में आराम करती रहो, कोई जंगली जानवर आएगा और नाश्ता करके जाएगा। है? तुम्हारी ये हिम्मत! क्या बोली? कुछ नहीं कुछ नहीं, हमें बाहर निकाल दो ना। तो इसके लिए हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। मानेंगे। पहली शर्त तो ये है कि तांगे में बैठकर किसी भी बैलगाड़ी वाले से तकरार नहीं करोगी। हाँ? दूसरी शर्त ये है कि किसी बिगड़ेल तांगे पे सवारी नहीं करोगी, और अगर करोगी भी तो बचाने वाले से हाथापाई नहीं करोगी। नहीं करेंगे। आज के बाद हमारे लिए गड्ढा नहीं खोदोगी, समझी? नहीं खोदेंगे। अब तो निकाल लो। मैं अभी ठाकुर श्री किशनपाल सिंह जी की यहाँ धनतेरस की दक्षिणा लेने को जा रहा हूँ। बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर वो दरवाजा एकदम बंद रखना, जोर से बंद रखना, क्योंकि आजकल वो पुदीने को पागल कुत्ते ने काट लिया। वो जिसको काट लेता वो आदमी मर जाता, कहीं अपने घर में नहीं घुस जा। तो बराबर दरवाजा बंद करना। जाकर जा, 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 नारायण गुरु। अब बात सुन बे, वहाँ जहाँ अपन चल रहे हैं वहाँ पे ज्यादा देर तो नहीं लगेगी? नहीं गुरु नहीं गुरु, ज्यादा ज्यादा है। अरे ठंडिया, तेरे प्रेम में तो मेरी पहले से टूट गई कमरिया। ब्रह्मचारी, अभिलाषी, प्रेम पुजारी, सटक नारायण 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 नारायण। कौन है? अरे जरा मन की खिवड़िया खोल, सैया तेरे द्वारे खड़े। मैं हूँ पुदीना। बापू ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे बावरी, इस घड़ी के लिए तो मैं दोपहरिया से इंतजार कर रहा था। तेरा बाप सटक नारायण सटक गया, मैं भटक नारायण आ गया। खोल दे, खोल दे। मैं नहीं खोलूंगी। कोई बात नहीं, तो फिर मैं अपना सर खोलता हूँ। देख तमाशा, देख देख तमाशा। धनिया 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 धनिया। तूने मना किया था ना। धनिया अंधेरी सजन नहीं वो के गई वो। और क्या कह रहा था तेरा बापू पाखंडी? बापू कह रहे थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुत्ते ने काट लिया। अरे तेरा बापू पागल हो गया, उसे कुत्ते ने काट लिया। वाव, वाव। बेटी धनिया। भिखारी आया है, 4-5 पकौड़ी डाल दे उसके झोली में, जा दान पुण्य कर दे। ओ धनिया दरवाजा खोल। ये तो बापू की आवाज। बापू की आवाज। घुस गए। अब हम क्या करें? धनिया, धनिया तेरा बापू खिला देगा पनिया। धनिया, धनिया, धनिया। जल्दी छुपा। किधर छुपो? किधर छुपो? किधर छुपो? नहीं, उधर छुपो, उधर छुपो। अरे किधर छुपो? ऊपर छत पे छुपो, छत पे। बापू, मैं इतने देर से क्या कर रही थी? दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं गहरी नींद में सो रही थी। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या गुसर-पुसर कर रही थी? गुसर-पुसर? मैं सपना देख रही थी। अरे क्या सपना देख रही थी तू? सपने में मैंने देखा कि मैं तुम्हारी आंखें बंद कर रही हूँ। आंखें बंद कर ली? अरे वाह, मैं सच कह रही हूँ बापू। शाबाश शाबाश। चिड़ी चोर, तू कहाँ आया थे? नहीं। ससुर जी, मेरा मतलब है सटक नारायण जी, मैं यहाँ गुल्ली डंडा खेलने नहीं आया था। क्या करने आया? मैं तो आपकी करने आया था। अरे मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा एकमात्र जवाई हूँ, तुम्हारी बेटी भी मार जाएगी। ससुर जी, अन्याय न करो। अरे कब खेल में आता हूँ? काटेंगे दिन हिल मिल के, काटेंगे दिन हिल मिल के। मन के रो पारे सोचे था नुकसान मुनाफा, अब मन के रो पारे सोचे था नुकसान मुनाफा। प्रेम की बातें जिसमें आती वो तो बंद लिफाफा। तो राजीनामा पे, तो राजीनामा पे, इस प्यार पे राजीनामा पे, राजीनामा पे मोहर रे मार। काटेंगे दिन हिल मिल के, गाढ़े रंग सौ बचपन को गाढ़ो प्यार। काटेंगे दिन हिल मिल के। काटेंगे दिन हिल मिल के, काटेंगे दिन हिल मिल के। रूपा, 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 क्या है भैया? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? रूपा 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 रूपा। अरे तुम विश्वास नहीं करोगी, तुम विश्वास नहीं करोगी। पर हुआ क्या? अरे हमारी राधा वापस आ गई। सच भैया? अरे 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 वो वापस आ गई और हम उसने पहचाना हमें। अरे अरे हम हे भगवान, कितने बरसों के बाद हमने भाई के चेहरे पे खुशी देखी है। भगवान इसे हमेशा बनाए रखना। लाला जी ने ट्यूबवेल का सामान घर पे आकर दे गए थे ना। हाँ जी, हाँ तो ठीक है। जयराम जी की जयराम। और वो खाद वगैरह भी है ना, अगले हफ्ते तक पहुंच जाएगी। अरे पंडित जी अपना तन ढांपिए, किसी की नजर लग जाएगी। मैंने कहा ये नहा धोकर पंडित सटक नारायण जी कहाँ जा रहे हैं? यजमान वृत्ति पर निकलूंगा दयालु। आप तो जानते हैं हमारा धंधा सदा सुहागन है। बुढ़ा मरे या जवान, पंडित को दक्षिणा से काम। सटक नारायण, पंडित सटक नारायण जी, आपका नाम तो नकद नारायण होना चाहिए था। बड़ी निराली पदवी है आपकी। आपको चढ़ावा चढ़ाए बगैर ना तो कोई पैदा हो सकता है और ना ही कोई मर सकता है, है? क्यों बनाते हैं सरकार? ये खटिया लाया मालिक आपके लिए। अच्छा अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधे राधे। हाँ याद आया, कल मैं बल्लभगढ़ गया था एक अनुष्ठान करने के लिए। वहाँ के ठाकुर पूज्य श्री उज्जवल सिंह जी से मेरी भेंट हुई। भैया नाम तो हमारा सुना हुआ है पर भेंट नहीं हुई। हाँ तो क्या बात हुई उनसे? बात आपके मतलब की है सरकार। उनके पुत्र श्री विजय सिंह है, डॉक्टरी पास कर लिया उन्होंने और कस्बे के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी हो गए। बहुत अच्छी बात है, पर इससे हमारा क्या मतलब? ठाकुर उज्जवल सिंह अपने बेटे विजय सिंह के लिए बहू तलाश कर रहे हैं। मैंने मौका देख करके राधा बिटिया का नाम ले दिया। बस आवागमन शुरू हो गई। अगर आप श्रीमान जी चाहे ना तो चट मंगनी और पट ब्याह हो सकता है। नहीं 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 पंडित जी नहीं, ऐसी भी क्या उतावली है। मैं राधा बिटिया की शादी के बारे में कोई जल्दी में नहीं हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो बच्ची है वो। मान्यवर ठाकुर साहब, कलयुग का युग है। इस समय में किसी को बांध के रख लेने में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन पंडित जी, अरे ये लोग कहाँ बड़े चले आ रहे हैं? अरे कुएं को अपवित्र करने कहाँ बड़े चले आ रहे हो? पंडित जी प्रणाम। पाए लागू पंडित जी, पाए लागू। पंडित जी आपके कुएं से पानी भरना है। राम 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 राम। इस कुएं से आप लोगों को पानी नहीं मिल सकता। पंडित जी हमारे कुएं का पानी जहरीला हो गया है, आप हमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए, नहीं तो हमारे बीवी बच्चे प्यासे मर जाएंगे। तो मर जाने दो, क्या जरूरत है कीड़े मकोड़ों की? देश की आबादी कम हो जाएगी। ठाकुर साहब, पंडित जी का मन तो पत्थर का है, लेकिन आप तो दयालु हैं, आप ही हम पर दया कीजिए ना। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, अपनी औकात भूल जाते हैं और चले आते हैं। रुक जा तुम। ठाकुर साहब, जो राजा अपनी प्रजा की देखभाल नहीं कर सकता उसे राजा कहलाने का कोई हक नहीं। तुम फिर आ गए हमारे रास्ते में, चले जाओ यहां से। क्यों चला जाऊं? ना मैं तुम्हारा दिया हुआ खाता हूं और ना ही मैं तुम्हारे कुएं से पानी पीता हूं। और ठाकुर, रहा सवाल तुम्हारे रास्ते में आने का, जब तक तुम्हारी आंखों से सात बात का पर्दा उतर न जाए मैं हमेशा तुम्हारे रास्ते में आता रहूंगा। सोचो, जरा सोचो, कल को अगर तुम्हारा यही कुआं जहरीला हो जाए तो क्या तुम इन्हीं लोगों से पानी मांगने के लिए मजबूर नहीं हो जाओगे? हाँ, भगवान ने तो हवा और पानी पे सबका बराबर का हक रखा है, फिर तुम कौन हो तो इनको रोकने वाले? ठाकुर, भला ऐसी में होगा? तुम इन सब लोगों को पानी भर लेने दो। जाओ, मैं तुम्हें कौन रोको? इस पागल को भर लो पानी। रुक जाओ, भर लो पानी। आइए। अच्छा बेटा, जरा संभल के, धीरे धीरे धीरे। हाँ रूपा, ए रूपा। का भैया? जरा एक खटिया लाना तो। हाँ। और सुन, थोड़ा पानी भी ला। लाई भैया। आइए, पानी कहाँ है? अभी लाई। बैठिए बाबा, बैठिए धीरे धीरे। हाँ ये सब कैसे हुआ? बेटा फिर वही जात पात की दीवार गिराने की कोशिश कर रहा था, उसका परिणाम ये मिला। बाबा ये दीवार कभी नहीं गिर पाएगी का? बस इसी का तो जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का, कहीं मेरी वो कहानी तुम्हारी राधा की कहानी ना बन जाए। कौन सी कहानी बाबा? बताइए ना बाबा, कैसी कहानी? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं भी किसी जात पात के बंधन को माने बगैर अपनी सामने से बहुत प्यार करता था। लेकिन मेरे पिताजी जो इंसान कम और ठाकुर ज्यादा थे, हमारे इस रिश्ते को मानने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। हमारी भावनाओं को समझना तो दूर, वो हमारे दुश्मन बन गए। और सचमुच मेरे पिताजी ने मेरा सपना पूरा न होने दिया। और उस रात उन्होंने सांवरे की बस्ती में आग लगवा दी। और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी सांवरी राह का ढेर बन चुकी थी। और बेटा मैं कुछ न कर सका। बाबा मत रो बाबा। लेकिन मैंने दूसरे नाकाम प्रेमी की तरह आत्महत्या नहीं की, और मैंने जात पात के चूल्हे को आग लगा दी जिसने मुझसे मेरी सांवरी छीनी थी। बेटा अब तो तुम समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ क्यों बताया। हाँ बाबा, पर राधा के पिता जात पात के भेदभाव को लेकर हमारे पैर का गला नहीं घोटेंगे। वो उसे बहुत चाहते हैं, और फिर वो उनकी इकलौती बेटी है ना। मैं भी अपने पिता का इकलौता बेटा था। बेटा भगवान करे तुम दोनों के पवित्र प्यार पे कभी आंच ना आए। बेटा मुझे तो डर है। नहीं बेटे, अब तो मेरे बच्चे कुछ जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं उस समाज की बनाई खाई को भर सकूं जो आदमी को आदमी से अलग करती है। पर बेटा काश कि मैं ऐसा कर सकता। सुखी रहो। चलता हूँ। राधा तुम आ गई? लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे आने की तुम्हें कोई खुशी नहीं। नहीं ये बात तो नहीं है। ये बात नहीं तो और क्या बात है? कुछ तो है जो हमसे छुपा रहे हो, बोलो ना क्या कहना चाह रहे हो? हम ही कहना चाह रहे हैं कि जिस गांव नहीं जाना उसके कोस का गिरना। पहेलियां काहे बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है? तुम मलंग बाबा की कहानी जानती हो? मलंग बाबा? पर उनकी कहानी से हमारा क्या मतलब? मतलब है क्योंकि उनकी कहानी हमारी कहानी से बहुत मिलती है। फर्क तो सिर्फ इतना है कि वहां मलंग बाबा ऊंची जाति के थे और वो जिनसे प्यार करते थे वो छोटी जाति की थी। तो फिर का वही जाति पाति के बंधन और इन्हीं बंधनों ने मलंग बाबा की सांवरी के परान ले लिए। राधा हमें तो डर है कि यही जाति पाति की दीवार हमारे बीच भी तो नहीं आएगी। श्याम। हाँ राधा, हमें मालूम है ये लोग हमारे मिलन पर पहरे लगा देंगे और फिर हमारा मिलन कभी नहीं हो पाएगा। श्याम, श्याम, क्या बात है श्याम? हम तो समझते थे तुम्हें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास है। हमने कब ऐसा कहा कि हमें तुम्हारे प्यार पर विश्वास नहीं? फिर बात क्या है? बात तुम्हारी नहीं है राधा, बात इस दुनिया की है, इन लोगों की है और तुम्हारे बाबूजी की। श्याम, जब तुम्हें हम पर भरोसा है तो लोगों की परवाही क्यों करते हो? हुँ? राधा फिर भी का अब भी हमें ये बताने की जरूरत है कि हमारे बीच जो भी दीवार आएगी उसे हम गिरा देंगे। 100 पहरे भी हमारे मिलन को नहीं रोक सकते। सच राधा। श्याम, शनिराव केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् प्रभाते स्मरे नित्यम दुर्गा दुर्गा चरदयम् आपदा ततः। अबे कौन नत्थू? अबे अछू भूल हो गई पंडित जी, सुबह सुबह परछाई मेरे ऊपर गिरा दी। जानता नहीं पूजा का वक्त है, कर्मकांड का वक्त है, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। चल भाग यहाँ से अछूत कहीं का, फिर से स्नान करना पड़ेगा मुझे। अरे रात को सपने में आ गई थी तू, बहुत नाराज लगती है। बसंती, जवानी की गजक, आंखों का जलूसा, कहाँ की तैयारी हो रही है? वाह पंडित जी वाह, सबके सामने तो नीच जात की परछाई से भी भागत हो और अकेले में ये सब बातें। अरे ये तो सब कर्मों के लेखे जोखे हैं। वो कैसे? तू इन बातों को नहीं समझेगी, तू तो सिर्फ शरीर की भाषा समझ और मन मिलाव की बैठक में अन्नत। क्यों पंडित, कौन सी भाषा समझा रहे थे इस अछूत कन्या को? गीता का ज्ञान सिखा रहा था श्रीमान इसको। पंडित कुछ तो भगवान से डरो। क्यों पंडितों के नाम पे कलंक का टीका लगा रहे हो? एक तरफ तो पंडितों के नाम पे जात पात का ढिंढोरा पीटते हो और दूसरी तरफ इस अछूत औरत के साथ रासलीला का नाटक रचते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठाकुर, व्यर्थ की बातें मत करो। एक विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के ऊपर इस तरह लांछन लगाना आपको शोभा नहीं देता। सटोक नारायण, कहाँ फाटक पर छिड़काव करने को आ गया? सटाक नारायण, गटाक नारायण और पटाक नारायण। पंडित जी स्वागत है, स्वागत है आपका। बसंती गई क्या? गई। चलो अच्छा हुआ, अब मैं गांव वालों से आपकी प्रेम कहानी चिल्ला चिल्ला के कहूंगा। अरे सुनो गांव वालों, तुमको प्रेम करता हूं। चिल्ला चिल्ला के सबके सामने तुम्हारे कुकर्मों का भांडा फोड़ दूंगा। अरे बुद्धि के ब्रह्मचारी, मेरी बदनामी की कपाल क्रिया मत कर। तेरे हाथ जोड़ता ये सटक नारायण, पटाक नारायण और पाँव भी पड़ना पड़ेगा। उठाक नारायण और मुर्गा भी बनना पड़ेगा। जल्दी जल्दी। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, जवाई जी, अब आए रास्ते पर। अब मैं तुम्हारी खुशामत नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी खुशामत करनी होगी। और एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी सुपुत्री से मेरे जल्दी से जल्दी 7 फेरे करवा दो। 7 का 70 करवा दूंगा। ओह धनिया धनिया पुकारूं मैं बन में, मेरी धनिया बसे है घर में। घर में घर में घर में सटक नारायण सटक। मना किया था ना कि याद नहीं करना, मगर लगता है कि तुम मानोगे नहीं। कौन याद कर रहा है तुझे, जो हिचकियों पे हिचकियां आई चली जा रही हैं। ले पानी पी ले, बंद हो जाएंगी। बुआ अब रहने दो इन हिचकियों को। अब हमें मालूम पड़ गया है कि हमें कौन याद करता है। कौन याद करता है? वो श्याम, वो श्यामा है ना, श्यामा हमारी सहेली, वो हमें याद करती है। चलो अच्छा हुआ चोर पकड़ा गया। कह देना अपनी सहेली से कि वो रात बिरात याद ना किया करे। अच्छा बुआ। हरी राधा, क्या हुआ, नाराज हो हमसे? अच्छा, पर हमारा अपराध क्या है? तुम्हें मना किया था ना हमने कि हमें याद मत करना। मालूम है सारी रात हमें हिचके आती रही। अब ऐसी भूल कभी नहीं करना। हाँ ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तुम्हें हरदम याद करेंगे। अच्छा बाबा, हमें हरदम याद किया करो। ए भैया, ए क्या बेच रहे हो? कुछ खाने को है? हाँ? कुछ खाने वाने को नहीं, खिलौने। जा रहा हूँ चांदपुर के मेले में दुकान लगाने को। मेला? श्याम हम लोग भी मेले में जाएंगे ना? अरे तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। एक काम करते हैं, कल सवेरे साथ ही जल्दी निकल जाएंगे। साथ में कैसे जाएंगे? ऐसा करो तुम सीधे वहीं पहुँचना, हम वहीं आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। गुजरिया ओ मैं तो बन के गुजरिया आई हूँ मैं, सुन मोरे माँ के सवरिया, ओ मोरे माँ के सवरिया, ले चल अकेले। अकेले मिलना था तो हो यूं मिलना था तो आई क्यों मेले में। जब से लगे हैं नैना नैना नहीं लागे, जब से लगे हैं नैना नैना नहीं लागे, निंदिया भी नैनों से दूर दूर भागे। अरे तनिक सी गुजरिया, ओ मैं तो बन के गुजरिया आई हूँ मैं किसन पर माँ के सवरिया, ओ मेरे माँ के सवरिया ले चल गुजरिया, ओ मैं तो बन के गुजरिया आई हूँ मैं किसन पर माँ के सवरिया, ओ मेरे माँ के सवरिया ले चल अकेले में। मुझसी नदी ना होगी मुझसा न प्यासा, तुझसी नदी ना होगी मुझसा न प्यासा, कब से लगी है तुझसे मिलन की आशा, ना जाने कब से सजे बिकूंगी, ओ तेरे हाथ बिकूंगी छोटे अकेले, अरे मैं तो बन के गुजरिया, ओ मैं तो बन के गुजरिया आई हूँ मैं किसन पर माँ के सवरिया, ओ मेरे माँ के सवरिया ले चल अकेले। अकेले मिलना था तो हो यूं मिलना था तो आई क्यों मेले में। बेटा बेटा जी क्या नाम लिखूं? आप राधा ही लिख दीजिए। बढ़िया। पंडित सरकार, हमने आपका नमक खाया, झूठ बोले तो आंख से अंधा तन से खोड़ी हो जाए। उसकी ये मजाल, लेकिन एक बात याद रखो पंडित, अगर ये बात जरा भी गलत हुई तो इस बेटी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने के पार कर दूंगा। सटक नारायण। अरे अब क्या हो गया? हमारी बाईं आंख फड़क रही है राधा, ये अपशकुन है। ये तुम्हारा बहम है। ये बात नहीं है। जब भी हमारी बाईं आंख फड़कती है कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये सब फिजूल की बातें हमें एकदम अच्छी नहीं लगती। बाबू जी नीच, तेरी ये हिम्मत हमारी इज्जत से खेलने का अंजाम जानता है। हम तुझे गोली मार देंगे। नहीं बाबूजी, तुम हट जाओ सामने से, वरना हम का आप हमें भी गोली मार देंगे, यही ना? इस वक्त हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं हट जाओ सामने से। तो ठीक है, पहले हम पर गोली चलाइए, फिर जो जी में आई कीजिए। राधा ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम सामने खड़े हैं। नहीं श्याम, अगर मरना है तो साथ मरेंगे। इसके बहकावे में आकर तुम होश खो बैठी हो। होश तो आप खो बैठे हैं बाबूजी। अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर आपके हाथ शाम को कुछ भी हो गया ना तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। ठीक है, आज हम इसे जाने देते हैं, लेकिन आइंदा इसने हमारी बेटी से मिलने की कोशिश की तो हम इसे जान से मार देंगे। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, छोड़ दीजिए। चलो। श्याम, श्याम। बिटिया के बारे में का सोचा? हमसे तो उसका ई हाल देखा नहीं जाता। क्या हो जाएगा उससे? न खाती है, न पीती है, न सोती है, आठों पहर कुछ खोई को इसी रहती है। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, हमने उसके बारे में सब कुछ सोच लिया है। का सोचा है? उसकी शादी। कोई लड़का देखा है? बल्लभगढ़ के ठाकुर उज्जवल सिंह का बेटा विजय सिंह, लड़का डॉक्टर है। लगता तुम्हें इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। हमारी खुशी की बात नहीं है। क्या राधा ये बात से खुश होगी? क्यों खुश नहीं होगी, लड़का लाखों में एक है। लड़का करोड़ों में भी एक हो तो क्या फायदा, जब बिटिया के मन में कोई और बसा हुआ है। तो तुम क्या चाहती हो, उस दो कौड़ी के लड़के के साथ राधा की शादी करके हम अपने चेहरे पे कालक पुतवा लें? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमें बिटिया का मन भी तो देखना चाहिए, आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे जानबूझकर कुएं में गिरने दें। हम उसके बाप हैं, जो कुछ करेंगे उसके भले के लिए करेंगे। और सुनो, ये रिश्ता तय करने के लिए हम कल ही बल्लभगढ़ जाएंगे। हमारी गैरहाजिरी में राधा की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। हम ये नहीं चाहते कि जिस सांप को हम दबा चुके हैं वो फिर से भड़क उठे। बाबूजी हमारी मर्जी के बिना इब्या काय करना चाहते, हम इब्या नहीं करेंगे। उनको का अधिकार है हमारे जीवन से इस तरह खेलने का? वाह, का तुम भी कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए? मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे मन पे का बीत रही है, पर अपने बापू की जिद को भी तू जानती है। ठाकुर साहब जी, हमने आपकी लड़की देखी हुई है, हमें पसंद है। आपने हमारा लड़का देख लिया, आपको पसंद है? जी हाँ भाई, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अजय पक्का जी पक्का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ काम में देरी कैसी, मुहूर्त निकलवाइए और बारात लाइए। वाह वाह वाह, तो कीजिए मुंह मीठा। अच्छा फिर क्या देर है? बेटा तुम भी मुंह मीठा करो। वचन निभा जा, आजा रे आजा, वचन निभा जा, मुखड़ा दिखा जा। एक बार उजड़ गया चमन हमारा, हो कैसे हो अब मिलन हमारा। अपने सितारे मिलकर भी नहीं मिलने वाले, ओ दिल वालों के बीच ये दुनिया, दिल वालों के बीच ये दुनिया बन ही गई रे दीवार, उजड़ गया चमन हमारा, हो कैसे वो अब मिलन हमारा। तुझे ही मिलेगा तेरे लिए तुझे ही मिलेगा प्यार का हर अधिकार भरोसा रख सज पुकारे पिया मिलन हो बुझते दीप की ज्योत जगा के हो बुझते दीप की ज्योत जगा के तुमने किया है उपकार निभाएंगे ये वचन हमारा हो रहेगा होके मिलन हमारा भरोसा रख सजन हमारा होगा रे पिया मिलन हो। राधा, राधा चुप हो जा। राधा, तुम्हारा रोना हमसे नहीं देखा जाता। तो तुम कहाँ इस तरह तड़प तड़प के जान दे रहे हो? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। मलंग बाबा ठीक ही कहा करते थे, हम प्रेमियों की जिंदगी में सिर्फ तड़पना ही तड़पना है। इससे तो अच्छा होता श्याम, हम दोबारा मिलते ही नहीं। बचपन में बिछड़ गए थे, एक हल्की सी याद थी, किसी तरह भी जी लेते। लेकिन अब तो न जिया जाता है न मरा। नहीं नहीं राधा नहीं, तो हम कहाँ करें श्याम? बाबूजी हमारी शादी तय करने गए हैं। आज हम बहुत मुश्किल से निकल पाए हैं और लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात। नहीं नहीं राधा नहीं, ऐसा मत कहो राधा। राधा, अरे तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे? श्याम, अब तो एक ही रास्ता समझ में आता है, ये गांव छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, जहां हमारे मिलन में कोई बाधा नहीं बन सके, जहां जात पात के झूठे ढोंग इज्जत की कसौटी न बन सके। श्याम, आज इसी पल हम सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हैं। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। लगता है हमारे मिलन के लिए बस यही एक रास्ता रह गया है। और श्याम, क्या हो गया श्याम? हम ऐसा नहीं कर सकते राधा। श्याम, राधा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पाप नहीं। हम इस तरह छुपकर बुज़दिलों की तरह भागकर अपने प्यार को बदनाम नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, ठाकुर साहब क्या सोचेंगे? जो आदमी गुस्से के मारे जान लेने की सोच सकता है, वो बदनामी के मार से जान दे भी सकता है। लोग अपने प्यार को अपवित्र समझेंगे राधा। देखो, अगर वो हमारे बारे में कुछ बोलेंगे तो हमको उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन लेकिन वो सब तुम पर उंगली उठाएंगे राधा। का हमें उन सब के लिए जीना है? हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमें कहीं भी ले चलो। हाँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ समझने की कोशिश करो। हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हम तो एक ही बात जानते हैं। आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, उसका हर रास्ता तुमसे शुरू होकर हमारे प्यार पे खत्म होता है। आज तो हम जाते हैं श्याम, लेकिन एक बात याद रखना, राधा तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने बिटिया रानी की जान बचा दी। धीरज रखो। अरे भाई क्या भीड़ लगा रखी है, क्या हो रहा है यहाँ? ठाकुर साहब, मुनिया ने कुएं में कूद कर जान देने की कोशिश की। ठाकुर साहब, ठाकुर मुनिया की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं तुम हो। क्या बकते हो? सच कड़वा होता है ना ठाकुर, अगर उस दिन तुमने जात पात का सहारा लेकर मुनिया को मोहन से अलग न किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। खामोश, ना जाने क्या बकता रहता है ठाकुर। आज मैं खामोश नहीं हो सकता। गिरा तो ऊंच नीच की दीवार ठाकुर, वरना बेटियां मुनिया के रास्ते पे चलने को मजबूर हो जाएंगी। न जाने कितनी बेटियों की डोली उठने से पहले उनकी अर्थी उठ जाएगी। ठाकुर, तुम भी तो एक बेटी के बाप हो। हो सकता है नर्सियों में एक अर्थी तुम्हारी बेटी की हो। हाँ हाँ, हाँ। बड़ी ऊंची बातें करते थे पंडित, कुछ उपाय सोचा? दयालु, उपाय ना सोचता तो सटक नारायण अपना मुंह आपको कैसे दिखाता? क्या सोचा? सरकार, थोड़ा सीधा उपाय है। राधा बिटिया के मन में शाम के लिए नफरत का जहर घोल दिया जाए, प्रेम का पौधा अपने आप मुरझा जाएगा। क्या ये संभव है? हर असंभव को संभव बनाना मेरा काम है सरकार। थोड़ा समय दे दीजिए। दिया समय दिया, कुछ करके दिखाओ। सटक नारायण, नफरत का जहर, ठीक है। राधा, राधा बेटा, हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं। यही ना कि आप हमारा लगन बल्लभगढ़ में तय करके आए, ये खुशखबरी आपके लिए होगी। हमारे लिए तो मौत का संदेशा है। तुम गलत समझ रही हो बेटा, हम सचमुच तुम्हारे मन की बात रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारा ब्याह शाम के साथ होगा। बाबूजी, आप सच्ची कह रहे हैं ना? हाँ। आप कितने अच्छे बाबूजी, हम जानते थे कि आप हमारे मन की बात जरूर रखेंगे। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये रिश्ता पक्का करने के लिए हम शाम के पास खुद चल कर जाएंगे। हैं? लाडो बेटा, अब खाना खा लेना। हैं? हाँ, धनिया पुदीना, हमारा धनिया पुदीना, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना, धनिया। अरे तू हंस रही है? तू है धनिया, हम है पुदीना, दोनों के मिलके बनेगी चटनी। तू जल्दी से गरमागरम चपाती बना ला जा। अरे मेरा तो आज व्रत है, व्रत मतलब उपवास है। चल वहाँ बैठकर हम दोनों उपवास खोलेंगे। देख धनिया, तेरा बाप सटक नारायण, उसकी तो चिंता मत कर, उसे मैं ऐसे चक्कर में फंसा के आया हूँ। समझ में नहीं आता, फिर से स्नान करना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? बापू आएंगे अभी। पागल है बापू आ जाएंगे अभी। तेरे बापू की परवाह कौन करता है? तेरे बापू के पीछे मैंने एक अछूत बालक लगा दिया है। तेरा बापू बार बार अछूत बनेगा और बार बार पवित्र होगा, और इसी चक्कर में नहाते नहाते तेरा बापू सटक नारायण हो जाएगा। मेरी जलेबी मेरे पास आजा। अरे मेरी बर्फी की जलेबी मेरी धनिया मेरे पास आजा। मेरी लाला जी आप? हाँ राम खिलावन मैं। अब तो तेरी फसल भी कट चुकी है, पर तूने मेरा पैसा लौटाने का नाम नहीं लिया। क्या बताऊं लाला जी, आपको तो पता है इस बार पानी नहीं बरसा और फसल सूख गई। फसल सूख गई तो बेटे का ब्याह कहाँ से कर रहा है? बस इधर उधर से जोड़ बटोर कर ब्याह का जुगाड़ कर रहा हूँ किसी तरह। तो एक काम कर, पहले मेरा जुगाड़ कर दे। दया करो लाला, अगर आपका पैसा चुकाने जाऊँगा तो ब्याह कैसे करूँगा? तो मत कर ब्याह, कुंवारा रहने से तेरा बेटा मर तो नहीं जाएगा। याद है ये कागज और अंगूठा? मैं चाहूँ तो इसकी मदद से तुम दोनों बाप बेटन को जेल की हवा खिलवा दूं। पर लाला जी आपने तो कहा था कि आप। मैं जो कहता हूँ वही करने लगूं तो मेरा दिवाला कभी का पिट गया होता। याद रख, अगर मेरा पैसा पूर्णमासी तक नहीं पहुँचा तो समझ लेना। ऐसा गजब मत करो लाला जी, हम गरीबों पे। दद्दू, तुमने कोरे कागज पर अंगूठा काहे लगाया? क्या करूँ बेटा, उस बेईमान के बहकावे में आ गया था। तू हसैन चला जा और शाम को खबर कर दे कि शादी कुछ दिनों के लिए रोक दी जाए। और ये तुम्हारे मेरी प्यारी बहनिया। अरे सोहन, तुम कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? नहीं भैया, कहा कि लड्डू ने कहा है कि शादी की तारीख कुछ आगे बढ़ा दो। अच्छा, तुम आओ बैठो। आओ अब बोलो, क्या बात है भाई, बताओ। वो तो मुझे आज ही पता लगा कि दद्दू ने उस साहूकार तोताराम से कुछ पैसे लिए और जिसके बदले में उसने एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया है। अब वो साहूकार कहता है कि अब जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो शादी नहीं होने देगा और हम दोनों को जेल भिजवा देगा। कितना खर्चा है? ब्याज मिला के कुल ये कुछ 16,000 होगा। अरे ए रूपा, तू रो रही है? देख, आज तूने हमारी कलाई पर जो राखी बांधी है, इसका क्या मतलब है जानती है? जानती है ना? बस अब तेरा ब्याह उसी दिन होगा जिस दिन का मुहूर्त निकला है। हे, मत रो पगली। भैया और सुनाइए, आपका इधर कैसे पदार्पण हुआ? वो अपने गांव का राम खिलावन किसान है ना, राम खिलावन। मेरा कर्जा तो चुकाता नहीं और अपने बिटवा मोहन का ब्याह रचाने जा रहा है। भारत साले को पकड़ो। लेकिन पंडित जी, आपको मालूम है लड़की आप ही के गांव की लड़की है। श्याम है ना? अरे वो फकीरा का भतीजा श्याम। ओकी बहन रूपा। श्याम की बहन रूपा। लेकिन पंडित जी मैं अभी बारात नहीं निकलने दूंगा, ना जब तक वो मेरा कर्जा नहीं चुका देना। अच्छा। मैं चाहूँ तो दोनों बाप बेटन ने जेल में चक्की पिसवा सकता हूँ। अरे वाह, कैसे? एक रात की बात, जल्दी बता दो गुरु। राम खिलावन का खाली कोरे कागज पर मैंने अंगूठा लगवा रखा है। अच्छा ये बताओ तोताराम जी, कर्जा कोई 15-16 हजार विद्वान तोताराम, ये जो है ये तो आपको भेज सकता और मैं आज क्या लेता हूँ सतोक नारायण। जी हम तोताराम जी से मिलने आए हैं। तो मिलो ना, किसने मना किया है? पर इतना ध्यान रहे तुम्हारे पास कोई जमीन या मकान वगैरह हो तभी लाला से कर्जा लेने की आशा रखना। लाला जी हम कर्जा लेने नहीं आए। तो क्या भीख मांगने आए हो? चलो चलो आगे बढ़ो, मैंने कोनो धर्म खाता नहीं खोल रखा है। लाला जी आप गलत समझ रहे हैं, हम तो उस कागज के बारे में बात करने आए हैं जिस पर आपने सोहन के पिता से अंगूठा लगवाया है। सोहन से तुम्हारा क्या संबंध है? नहीं, होने वाला है। सोहन से हमारी बहन रूपा का ब्याह होने वाला है। ओह अब समझा, तुम हसायन वाले श्याम हो ना? जी। क्या चाहते हैं? अपनी बहन की खुशी चाहते हैं लाला जी। आप अभी सोहन के पिता पे कोई कार्रवाई मत कीजिए, ब्याह हो जाने दीजिए, हम आपका कर्जा सूद समेत लौटा देंगे। कैसे लौटाओगे? नोटों का पेड़ उगाओगे या कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा? जी हम जीवन भर मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका देंगे। धन्य भाई हो तो ऐसा, पर बचवा तुम थोड़ी देर से आए हो। उस कागज का सौदा मैं किसी और से कर चुका हूँ। तुम्हारी बहन का भाग अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में। कौन है वो आदमी? हमने जो कहना था कह चुके। अब इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी खुशी प्यारी है या अपनी बहन की। तुम शाम को हवेली पर आओगे और तुम्हें जो कुछ समझाया गया है वैसा ही करोगे। एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने जरा भी चालाकी से काम लिया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है ये हम तुम्हें अच्छी तरह समझा चुके हैं। श्याम से बोली ना, क्या बात हुई? सोचते हैं उससे मिलने ही ना गए होते तो बहुत अच्छा होता। क्या कह रहे हैं आप? हम तो कुछ नहीं कह रहे बेटा, वहां जाकर सच्चाई हमने देखी और सुनी। अगर तुम जानो तो तुमसे बर्दाश्त ना हो, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचे। क्या मतलब? कैसी सच्चाई? वो हमारी दौलत हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग रचा रहा है। हम ये नहीं मानते, ये हो ही नहीं सकता। तुम बहुत भोली हो बेटा, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, हमने देखी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हमने शाम को बुलाया है, वो यहाँ आएगा। यहाँ जो कुछ होगा अपने कानों से सुनना और अपनी आंखों से देखना। मालूम था तुम जरूर आओगे और हमें तुम्हारे आने का कारण भी मालूम है। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मतलब की बात पर आते हैं। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी बिटिया ने शादी कर भी ली तो उसे हमारी जमीन जायदाद से एक पैसा नहीं मिलेगा और तुम्हारा ये प्यार का नाटक एकदम बेकार हो जाएगा। नाटक? हाँ हाँ नाटक। क्या दाम है ये नाटक बंद करने के? क्या कीमत है राधा के रास्ते से हटने की? 10,000, 15,000। 15,000 कम है ना? हम जानते हैं। इतने ऊंचे जमींदार की बेटी को अपने चुंगल से रिहा करने की कीमत भी तो ऊंची होनी चाहिए ना? ये 25,000 की रकम है, इसे उठाओ और निकल जाओ इस हवेली से। नजर नहीं मिला पा रहे होगा। कर आए अपनी राधा का सौदा। तुम इतना गिर सकते हो, ये हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आज समझ में आया कि उस दिन जब हम अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को आए थे तो तुमने हमें हमारी और हमारे बाबूजी की इज्जत का वास्ता देकर हमें काहे लौटा दिया था। तुमने हमें इसलिए लौटा दिया था कि अगर हम तुम्हारे साथ चलते तो तुम्हें सिर्फ हम मिल पाते। ये हवेली, जायदाद, पैसा, जिस पर तुम्हारी निगाह थी, इस सब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। हमारी निगाह में तो केवल तुम थे, लेकिन तुम्हारी निगाह में ये सब। हाँ। कितना बड़ा धोखा खा गए हम, है ना? सजन कैसे हो पिया मिलन, कोई बता दे जतन कैसे हो पिया रूपा, ये गहने, ये कपड़े तेरे ब्याह के हैं। रूपा का ये सब तुझे पसंद नहीं आए? ये बात नहीं है भैया। तो फिर क्या बात है? पहले हम सोचते थे जब हमारा ब्याह होगा राधा भाऊजी इस घर में आएगी, हमारे भैया की देखभाल करेगी, पर ये सब कहाँ हो गया भैया? पगली, देख तेरी खुशी देखकर मेरे सारे घाव भर जाएंगे रे। भैया, अरे पगली, रो नहीं, रो नहीं। पंडित सटक नारायण जी, 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 जी। कहाँ गायब रहते हैं आप? राधा बिटिया की शादी के बहुत से काम तो मैंने बंटवा दिए हैं, ये बाकी रह गए। कम से कम ये तो बांटिए आप। अवश्य अवश्य। कुछ काम वाम नहीं करते, दक्षिणा मांग लेते हैं बस। सटक नारायण, ये ठाकुरों की शादी गर्मियों में क्यों होती है हमेशा? नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार सोहन जी, कैसे हैं पंडित जी? बस आनंद है। एक शुभ समाचार देना है आपको। अपने ठाकुर नेत्रपाल सिंह जी की सुपुत्री राधा की शादी डॉक्टर विजय के साथ में होना निश्चित हुआ है, इसलिए उनके ये शादी के कार्ड हैं, कृपया आप अपने गांव में बंटवा दीजिए। और पंडित जी होते हैं सटक नारायण। राधा की शादी डॉक्टर विजय के साथ? ए, ले जाओ इसे। अरे लाला जी आप यहाँ? मैं तो जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। काहे? इस शादी का कार्ड है आपके नाम। कैसा कार्ड? पंडित जी दे गए थे। रुको जरा। राधा और डॉक्टर विजय की शादी? वाह ठाकुर वाह, किस सफाई से तुमने शाम का पत्ता काट दिया। शाम का पत्ता काट दिया? वो कैसे? ये हम नहीं बताएंगे। लाला बोलो ना, क्या हुआ? हम नहीं बताएंगे। बोलो ना। हम नहीं बताएंगे। बताओ ना लाला, आपस की बात है। बोलो। किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं बताऊंगा। इधर आओ। बोलो। वो जो कोरा कागज जिस पर मैंने तुम्हारे दद्दू का अंगूठा लगवाया था ना, वो ठाकुर साहब ने मुझसे खरीद लिया था। फिर क्या बोला ना? फिर उन्होंने शाम को धमकी दी, अगर उसने खुद को राधा की निगाहों में नहीं गिराया तो वो तुम्हारा घर बैल सब कुरक करा के तुम दोनों बाप बेटन को जेल भिजवा देंगे। फिर क्या हुआ? शाम बेचारा मजबूर हो गया, क्या करता, उसने हवेली में जाकर राधा को छोड़ने के लिए ठाकुर साहब से पैसे लेने का नाटक किया। फिर क्या हुआ? फिर का नाटक खत्म और उसका नतीजा ही शादी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ रूपा, श्याम भैया ने हमारी खुशी की खातिर अपने प्यार की बलि दे दी और ठाकुर साहब ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो खुद को राधा की नजरों से गिरा दी। हे राम, कितना गजब होने जा रहा है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। ब्याह कब है? आज रात को। अरे फिर तो बहुत कम समय बाकी है, इससे पहले कि फेरे हो जाए हमें राधा को असलियत बता देनी चाहिए। तुम ठीक करिए रूपा, तुम तैयार हो जाओ, हम सवारी लेके आते हैं। चाहते हैं का हम अकेले में कुछ कहना चाहते हैं। हे भगवान, बाबूजी ने क्या किया? कितना बड़ा धोखा दिया हमको। रूपा, उस दिन शाम को हमने न जाने क्या कह दिया, अब तो हम उससे माफी मांगने लायक भी नहीं रहे। राधा, ठाकुर साहब आ गए, हम जाते हैं। राधा बेटिया तुम, बेटा नीचे सब लोग मंडप में तुम्हारी बात जो रहे हैं, जल्दी चलो। मंडप में हम नहीं, हमारी लाश जाएगी। क्या पागलपन की बात कर रही हो? होश में तो हो तुम? हमें ठीक समय पे होश आ गया है। शाम को हमसे अलग करने की जो चाल आपने चली थी, वो सब हमें रूपा ने बता दिया है। रूपा? अच्छा, तो यार उसकी लगाई हुई है। तो उसमें वो सब सच है। हाँ हाँ सच है, हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। हम तुम्हारे बाप हैं बेटा। कैसे बाप हैं आप, जो अपनी बेटी की इच्छाओं का गला केवल इसलिए घोट देना चाहते हैं कि आपकी झूठी इज्जत बनी रहे। कैसे बाप हैं आप, जो अपनी बेटी को भी धोखा देने से नहीं चूके, सिर्फ इसलिए कि आपकी ऊंची जात के झूठे घमंड को आंचना है। कैसे बाप हैं आप? हमको सुनना नहीं चाहते, चलो नीचे मंडप में। मंडप में नहीं जाएंगे, ये भरी हुई है, छोड़ दीजिए। हम ये प्यार नहीं कर सकते बेटा, हम मंडप में नहीं जाएंगे। छोड़ दीजिए हमें, हम मर जाएंगे, हम जीना नहीं चाहते। छोड़ दो, छोड़िए। डॉक्टर साहब, इनका खून भी नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं डॉक्टर साहब, देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इनके खून की भी जांच कर ली, लेकिन इनका खून भी ठाकुर साहब के खून से नहीं मिल रहा। हमारा खून भी नहीं मिल रहा, अब क्या होगा? देखो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर साहब का खून ऐसा है कि किसी से मिलता ही नहीं। अब हम और भी टेस्ट किसी तरह हमारे बाबूजी को बचा लीजिए। हम आपका ये साथ कभी नहीं भूलेंगे। देखो देखो, तुम अपने को संभालने की कोशिश करो। देखो, भगवान के लिए तुम। अरे शर्मा, एक कंपोज का इंजेक्शन तैयार करना जल्दी। यस डॉक्टर। अगर खून नहीं मिला ठाकुर साहब का ऑपरेशन कैसे हो पाएगा? वक्त बीतता जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने सब लोगों के खून की जांच कर ली है, लेकिन किसी का भी खून ठाकुर साहब के खून से नहीं मिल रहा। लाओ देखता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे खून की जांच करा लीजिए। आप कौन? जी, हम ठाकुर साहब के गांव के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आइए मेरे साथ। वेरी गुड। भाई, आपका खून तो ठाकुर साहब के खून से मिल गया, लेकिन कम से कम 2 बोतल खून की जरूरत पड़ेगी। क्या आप दे सकेंगे? डॉक्टर बाबू, मेरे बदन का सारा खून ले लीजिए, पर ठाकुर साहब को ठीक कर दीजिए। श्याम, तुम अपना खून मत दो। काहे? अरे तुम्हारे प्यार के बीच में ठाकुर ही तो एक कांटा है। मर जाने दो इस बुड्ढे को, फिर तुम्हारे और राधा के ब्याह में कोई रुकावट नहीं होगी। बकवास मत करो। राधा मुझे जान से भी प्यारी है, पर उसे पाने के लिए मैं ठाकुर साहब की जान से नहीं खेल सकता। कभी नहीं। खतरा टल गया। अब आप बिल्कुल ठीक है। विजय बेटा, क्या इत्तेफाक की बात है जिससे हम अपने जीवन की सबसे प्यारी और कीमती चीज सौंप रहे थे, उसी ने हमें जीवन दान दिया, उसी ने हमारी जिंदगी बचाई। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैंने नहीं, किसी और ने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। किसी और ने खून देकर? किसने? आपके गांव का ही कोई एक लड़का है। क्या नाम है उसका? नाम तो हमारे पूछने पर भी उसने नहीं बताया, लेकिन उसके हाथ पर राधा लिखा हुआ था। हाथ पर राधा लिखा हुआ था? कौन हो सकता है वो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो 8 नंबर का पेशेंट बेहोश हो गया है, जल्दी चलिए। ठाकुर साहब, मैं भी आता हूँ। कौन था वो? मैं बताता हूँ। तुम्हें खून देने वाला श्याम था। श्याम? हाँ, वही श्याम, वही श्याम जिसके साथ तुमने क्या क्या नहीं किया, वही श्याम जिसको तुमने नीची जात का समझकर उसकी परछाई से भी नफरत की। ये वही श्याम है ठाकुर, जो अगर चाहता तो तुम्हारी झूठी शान के चोले के चिथड़े चिथड़े कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उस बेचारे ने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत के सामने अपनी अपनी भावनाओं का गला घोंट दिया। जानते हो क्यों? ताकि तुम्हारी झूठी शान पे कभी आंच ना आए। ठाकुर, जब तुम्हारे सब रिश्तेदारों के खून ने तुम्हें धोखा दे दिया, उस वक्त तुम्हारी जान उसी नीच जात के खून ने बचाई, और आज ये सांस उसी नीच जात के खून की वजह से चल रही है जिसकी परछाई से भी तुम्हें नफरत थी। ठाकुर, अब भी तुम्हारी आंखों में रोशनी ना आए तो ठाकुर तुम पे लानत है। हाँ, तुम पे लानत है। ठाकुर, तुम भी तो एक बेटी के बाप हो। हो सकता है उसमें से एक अर्थी तुम्हारी बेटी की हो। हाँ। कैसे बात है आप, जो अपनी बेटी की इच्छाओं का गला केवल इसलिए घोंट देना चाहते हैं कि आपकी झूठी इज्जत बनी रहे, आपकी ऊंची जात के झूठे घमंड को आंच न आए, इसके लिए आप अपनी बेटी को भी धोखा देने से नहीं चूके। कैसे बाप है आप? तो मंडप में होना चाहिए था। हम ठीक जगह पर हैं। पर तुम किसी की होने वाली दुल्हन हो। किसी की होने वाली दुल्हन थे, लेकिन अब जहां हैं यही हमारी जगह है। तुम पागल हो गई हो राधा। तुम जानते नहीं तुम क्या कह रही हो। हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। माफी मांगने लायक तो हम नहीं रह गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी राधा अपने श्याम से माफी मांगती है। राधा, हम तुम्हारे प्यार को जानते हैं, और तुम हमें प्यार ही तो कर सकती थी, हमारा भाग तो बदल नहीं सकती थी। हमारे भाग में जो था सो हो गया। भाग की बात कर रहे हो तो सुनो, हमारे भाग में तुम हो और तुम्हारे भाग में हम। राधा। राधा ठीक कहती है बेटा, हमें खून देकर तुमने केवल हमारी जिंदगी ही नहीं बचाई बल्कि हमारी आंखों से ऊंच नीच का पर्दा भी उठा दिया है। और भला राधा और श्याम की जोड़ी को कौन अलग कर सका? हमसे बहुत गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नहीं बेटा, ठाकुर साहब तो हम बाहर वालों के लिए हैं, अपनों के लिए बाबूजी है बेटा। हाँ बेटा, कह दो ना बाबूजी बेटा। हाँ हाँ, कह दो ना बेटा बाबूजी। बाबूजी बेटा, बन जा रे हमारो साजेदार, काटेंगे